आजा भरे जरा वहीं ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो चलेगी इस गांव की मेन रोड है और खास तौर से इधर मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम भाइयों का आना जाना है। यहां से सभी लोग चलकर मस्जिद तक जाते हैं। कॉल आ रही थोड़ी दूर चलकर मस्जिद भी है जहाँ पर लोग जो है यहाँ इस रोड से आना जाना करके नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से ये कि इस गांव में जल भराव की समस्या हो रही है, मुख्य रूप से तो ये इसके लिए दिया गया ज्ञापन और उसी ज्ञापन को लेने के लिए भी और मौके पे मैं निरीक्षण करने भी आई हूँ कि एक्चुअल में समस्या क्या है, कहाँ से समस्या का समाधान है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर भी विकास न करने का आरोप लगाए और कई तरह के मामले आरोप लगा दिया उनको। देखिए अगर अभी तो ये मौखिक रूप से बता रहे हैं, मेरा इनसे यही कहना है कि यदि वाकई में उन्हें प्रधान से किसी भी डिपार्टमेंट से शिकायत है तो लिखित में हमें जरूर अवगत कराएं ताकि कल के दिन हम उसके खिलाफ स्ट्रिक एक्शन ले सकें। आप ब्लॉक को क्या आदेश करते हैं इसके बारे में? ब्लॉक में ऐसा है, मैं वीडियो साहब को अपने ऑफिस बुला रही हूँ और उनको बता रही हूँ कि इस तरीके से समस्या तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं संज्ञान लिया। सिक्योरिटी आरक्षक पे बहुत आरोप लग रहे हैं यहाँ पर पैसे लेन देने के, इसके बारे में क्या? देखिए अभी तक तो ये जो बता रहे हैं ना वो ये जो भी पैसों का लेन देन वगैरह उसी के क्रम में मैं इन सबसे पूर्ण रूप से जानकारी लूँगी कि किस किस तरीके के आरोप लग रहे हैं, फिर उस संबंध में वीडियो नारसन से पहले तो मौखिक रूप से पूछे जाएंगे, अगर जवाब संतोषजनक नहीं देते तो लिखित में। जल भराव की समस्या के साथ साथ मैडम गंदगी का अंबार लगा हुआ है इधर, वही हम ये दोनों चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, और मस्जिद है, मस्जिद में लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं लेकिन इस रोड के कारण उसमें भी बाधा उत्पन्न है और बच्चे स्कूल में जाते हैं, इस रोड के कारण बाधा उत्पन्न है। लोग अपना रोज का निजी मर्रा की जो जिंदगी जीते हैं उसमें आना जाना करते हैं, उसमें भी इस रोड से बहुत सारी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज यहाँ ग्राम प्रधान जी के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है, क्षेत्रीय नेताओं के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि ग्राम प्रधान जी, ये आपका प्रथम दायित्व बनता है कि जहाँ के आप ग्राम प्रधान हैं उस गाँव की समस्याओं का हल होना चाहिए। उसमें जो जल भराव की समस्या है सबसे पहले इसमें ग्राम प्रधान अपना संज्ञान ले और जल भराव की समस्या को दूर करे। आज हम उप जिलाधिकारी महोदया को यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं, अभी थोड़ी देर में वो हमारे बीच में उपस्थित होने वाली है, ज्ञापन दिया जाएगा और इस समस्या को दूर करने के लिए हम अपनी मांग रखेंगे। अगर ये समस्या तब भी नहीं हल होती है फिर हम ग्राम प्रधान के खिलाफ और क्षेत्रीय जो भी यहाँ पे विधायक है, जो भी नेता है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपके माध्यम से अगर ये रास्ता किसी भी प्रकार से सही हो सकता है तो आपको कराना चाहिए क्योंकि आपके क्षेत्र का मामला है, आपको फिर जनता के बीच में आना है। तो ऐसा ना हो कल को आप जनता के बीच में आए और लोग अपनी समस्या लेकर खड़े आपके सामने हो जाएं, तो हम उनको भी कहना चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें, नहीं तो सभी जो यहाँ पर राजनीतिक दल हैं जो यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं उनके खिलाफ फिर हम रोड पर प्रदर्शन करेंगे। सुप्रीम विकास निगम जी, मेरे से 10,000 रुपये लेके मैं क्या तुम्हें मकान दूंगा, 10,000 रुपये मुझको दो और मेरा 10,000 रुपये नहीं दे रहा। मैं 3 साल हो गए जी, 10 की सूद में लेके देखे मैंने ब्याज पे। कितने दिन हो गए प्रधान को कार्य करते हैं? इसे 4 साल हो गए, 4.5। तो गांव में किसी तरह का कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं कर रहा जी, पैसे देने को मना कर। और तो और जी देखो बच्चा है पानी में गल गया, बिल्कुल फुंसी हो रही है सारे बच्चे के, कच्चे मकान है, जाकर देखो छप्पर पड़ा है और मैंने कह रहा मेरे 10,000 दे दो मैं।